दोस्तों स्वागत है आप सबका मेटा के और एक एपिसोड में, और लाइव आपके लिए मेडिकल दुनिया की बहुत सारी खबरें। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो अपडेट आ रहा है यार, दोस्तों यहाँ पे इंडिया और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के बारे में, इंडिया ने यहाँ पे यूनाइटेड नेशन को एक बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है। और ये अपडेट दिया है दोस्तों यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। इंडिया ने ऐसे बोला है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ को यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा है। और देखते हैं यहाँ पे इसके बारे में यूनाइटेड नेशन, यानी हम जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूएन बोलते हैं, क्या एक्शन लेता है। एक बहुत बहुत बड़ा अपडेट है क्योंकि इंडिया ने सब कंट्रीज़ को यहाँ पे बहुत ही बड़ी अलर्ट यहाँ पे जारी की है। यहाँ पे दोस्तों दूसरा जो अपडेट है यार दोस्तों जीएसके के बारे में, जीएसके अपना सेल करने वाला है 2 वैक्सीन्स को, और ये 2 वैक्सीन्स की जो डील है वो कंप्लीट करने वाला है यहाँ पे $1.1 बिलियन में। हालांकि ये जो वैक्सीन की जो बोल सकते हैं सेल हो रही है उनकी तरफ से, ये इसलिए हो रही है कि यहाँ पे वो फोकस करना चाहती है न्यूअर वैक्सीन्स के लिए, न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में वो फोकस करना चाहती है। इस वजह से उन्होंने यहाँ पे पुराने वैक्सीन को सेल करने का यहाँ पे डिसीजन लिया है। लेकिन ये भी बहुत बहुत बड़ा अपडेट है, यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री की बहुत ही बड़ी डील है। यहाँ पे दोस्तों तीसरा जो अपडेट है यार दोस्तों यहाँ पे एंटीबायोटिक्स के बारे में, और ये अपडेट आ रहा है दोस्तों राइजिंग रेजिस्टेंस के बारे में। मैंने आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में बहुत बार यहाँ पे बोला है, और ये अपडेट उसी के बारे में अपडेट आ रहा है कि इंडियन लोगों के बीच में यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो होता है वो डेवलप होने का यहाँ पे सबसे ज़्यादा अलर्ट है, बहुत बड़ा खतरा है। और यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे इंडियन हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आने वाले फ्यूचर में ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने का यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए। लेकिन इसके बारे में यहाँ पे सॉल्यूशंस बहुत कम है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है इस चीज़ की यहाँ पे वास्टनेस है बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे इसको फाइट करना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होने वाले आने वाले दिनों में, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखते हैं क्या क्या नए अपडेट इसके बारे में निकल के आते हैं, क्या कौन से नए एंटीबायोटिक्स हमें ढूंढ कर निकाल सकते हैं। चौथा जो अपडेट आ रहा है यार दोस्तों फिर से इंडिया के बारे में, और ये अपडेट आ रहा है दोस्तों इंडिया के नीति आयोग के जो चेयरमैन है जिनका नाम है दोस्तों अरविंद पंगारिया, इन्होंने यहाँ पे अपडेट दिया है। ये अपडेट दिया है उन्होंने इंडियन हेल्थ सेक्टर के बारे में। नीति आयोग जो होता है, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि नीति आयोग जो होता है वो इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए, इंडिया की प्रोग्रेस के लिए बहुत सारी यहाँ पे स्ट्रैटेजीज बनाता है, और इसी के बारे में अपडेट आ रहा है। उनके चेयरमैन ने ऐसा बोला है कि इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर है वो इवॉल्व हो रहा है, लेकिन इंडिया के हेल्थ सेक्टर को यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स की हेल्प लेनी चाहिए अपने हेल्थ सेक्टर को और बढ़ाने के लिए, और ये भी बहुत बहुत अच्छा अपडेट है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी मैंने आपको बहुत बार बोला है, और अगर हो सकता है तो फ्यूचर में हम और एक नई वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों सबसे लास्ट जो अपडेट है यार दोस्तों यहाँ पे ओबेस पीपल के बारे में, यानी जो बहुत बड़े बड़े लोग दिखते हैं इनके बारे में, और ये अपडेट आ रहे हैं उनके फैट के बारे में। ऐसे जो बड़े वेट वाले लोग होते हैं जिनकी बॉडी साइज बहुत बड़ी होती है, ऐसे लोगों का जो फैट होता है उनके लंग में एक्यूमुलेट होने का बहुत बड़ा खतरा होता है। ऐसा एक स्टडी ने और ऐसे एक रिपोर्ट ने शो किया, ये भी बहुत बड़ा अपडेट है। ऐसा अक्सर होता है कि जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा होता है उन्हें यहाँ पे हार्ट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें हार्ट अटैक वगैरह चीज़ें भी बहुत जल्दी हो जाती है, और इसी के रीज़न होते हैं कि यहाँ पे फैट उनके बॉडी में एक्युमुलेट होता है। और ये स्टडी इसी के बारे में बता रहे हैं कि इनके लंग में फैट एक्युमुलेट होने का चांस बहुत बड़ा होता है। ये थे मेडिकल दुनिया के अपडेट। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया, और अगर आपको लग रहा है कि चैनल में अच्छा सा कंटेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई अच्छी सी कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।